रियर मोनोशॉक लीक कर रहा है पूरा व्हील ऑयल 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 द बेस्ट कूलेंट इंजन आइस सब निपटा देगा अकाउंट खाली करके आ जाओगे आज अगर चला तो चांद तक वरना आधी रात तक ये 12 लाख की बाइक है और ये है स्टार गैराज ये हमारे बाबू भैया बड़े दरिया दिल इंसान है KTM RC 390 बोले तो प्रॉब्लम्स तो मैंने अहमदाबाद की राइड की और उसके बाद एक या दो वीक तक ये बाइक ऐसी खड़ी थी ज्यादा कुछ चलाया नहीं मैं काफी काम में बिजी था तो इसको मैं बहुत ही कम ध्यान दे पाया अनफॉर्चुनेटली पैसे कमाने के चक्कर में बट ठीक है पैसे हैं तो फिर इसको ठीक करने के पैसे हैं बट आई एम सॉरी तो थोड़ा निगलेक्ट किया अभी इसमें प्रॉब्लम्स है लेकिन इतने ज्यादा नहीं है मेरे को इसमें लेकिन कुछ चीजें अपग्रेड करनी है कुछ चीजें चेंज करनी है तो सबसे पहले फ्रंट एंड से शुरू करते हैं क्या क्या करवाना है तो इधर देख सकते हो वाइजर के अंदर काफी सारा धूल मिट्टी गया और इसके अंदर हाथ जा नहीं सकता है तो एक बार इसके वाइजर को निकाल के अंदर से साफ करना है मुझे कुछ ही दिनों में मैं इस पे हल्का सा स्मोक टिंट आओगा और ये पूरा साइड का जो पार्ट है वो ब्लैक कर दूंगा वाइजर का फोक ऑयल सील राइट साइड का लीक कर रहा है पूरे व्हील के ऊपर ऑयल कर दिया है सब जगह ऑयल उड़ा हुआ है इसका लग गया है अभी रेडिएटर पे आते हैं मेरे को रेडिएटर पे ग्रिल लगवाना है क्योंकि उसकी कुछ फिन्स बेंड हो गए हैं जो आई एम श्योर कि रॉक के उड़ने से ही हुआ है विच इज नॉट सेफ क्योंकि अगर आप इधर टूर वूर कर रहे हो और रेडिएटर फट गया तो बाइक बंद कुछ नहीं किधर भी नहीं जाएगी वो तो रेडिएटर ग्रिल का जरूरी है इंडिया जैसे देश में जहाँ पे रोड पे किधर भी कुछ भी एकदम फ्रीडम आता है अभी रेडिएटर की जब तक बात है हम इसका कूलेंट भी चेंज कर रहे हैं मैंने इंजन आइस लिया है इंजन आइस मेरे बैग में 1 मिनट रुक जाए मेरे को निकालना पड़ेगा तो ये है वो रेडिएटर ग्रिल एक्चुअली रेडिएटर ग्रिल ऐसा नहीं होना चाहिए एक मैश टाइप होना चाहिए बट ये मिल रहा था तो मैंने ये वाला ले लिया इससे कूलिंग में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा बट नो टेंशन क्योंकि वी हैव द बेस्ट कूलेंट इंजन आइस मैंने ये बाइक को यूज़ लिया था और जिस तरीके से इसका एजिंग हुआ है ना ऐसा लगता नहीं कि इसके प्रीवियस ओनर ने इसका इतना अच्छे से ख्याल रखा था काफ़ी निगलेक्टेड बाइक थी मुझे लगता नहीं कि उसने कूलेंट 2018 या फिर 2019 जबकि भी ये बाइक है तब से उसने चेंज किया रहेगा तो कूलेंट चेंज करना जरूरी हो गया आई एम गोइंग टू पुट इन 5.1 ब्रेक फ्लूइड जिसमें फिलहाल जो ब्रेक फ्लूइड है ना वो थोड़ा हीट अप होने के बाद बहुत ही वियर्ड फील देता है कभी कभी जोर से बाइट करेगा कभी कभी नहीं करेगा इट्स वेरी वियर्ड आई डोंट वांट दैट तो 5.1 फ्लूइड डालने वाले हैं साथ ही साथ मैं सोच रहा हूँ कि वेस्ला के ब्रेक पैड डाल दूँ KTM के जो स्टॉक ब्रेक्स है जो इसमें बाई डिफॉल्ट आते हैं वो इतने अच्छे नहीं है तो मेरे को नहीं मजा आ रहा है उसमें KTM के एक सेरामिक वाले आते हैं जो 2000 के आते हैं वेस्ला के जो आते हैं वो 1000 के आते हैं मैं सोच रहा अभी फिलहाल के लिए वेस्ला से काम चल जाएगा थोड़ा चेन को भी टाइट करवाना है क्योंकि इतना राइड कर लिया काफी लूज हो गई है अभी यहाँ पे 2-3 प्रॉब्लम्स है अहमदाबाद की राइड के बाद मैंने नोटिस किया कि इसका मोनोशॉक रियर मोनोशॉक लीक कर रहा है इधर ऑयल वॉयल गिरा हुआ है और इधर से ही आ रहा है वो मोनोशॉक से प्लस इसके ब्रेक लाइन से भी किधर से तो ऑयल लीक हो रहा है देख सकते हो आप अभी इसका क्लच साला इंजन को पकड़ रहा है मेरे को ऐसा लग रहा है वो बाइक पूरी तरीके से खुल नहीं रही है थोड़ा सा तो क्लच का सेटिंग है या फिर क्लच प्लेट गया है या फिर जो भी है वो अभी आज़ाद को पूछना पड़ेगा मोनोशॉक का भी पता नहीं है रिपेयर हो सकता है कि सीधा रिप्लेस करना पड़ेगा होपफुली रिपेयर हो जाए नहीं तो 6000 का मोनोशॉक है इन चौथ खर्चे रुक ही नहीं रहे है बाइक के और आप लोगों ने नोटिस किया रहेगा मेरे मोटो ब्लॉग्स में कि इधर से आगे से कुछ तो जुर आवाज़ आ रहा है तो आवाज़ को भी एक बार चेक करवा लेंगे मैंने एक्चुअली पूरा लिस्ट बनाया ये बाइक ने इतने काम दे दिए एक साथ में कि मेरे को लिस्ट बनाना पड़ा कि इसमें क्या क्या करवाना है एक मिनट चेक करता हूँ अभी हम आज़ाद के पास जाएंगे मेरे मैकेनिक के पास और सब निपटा देगा अकाउंट खाली करके आ जाऊंगा आज बहुत हो गया लेकिन मेजोरिटी पैसा जाएगा वो रिपेयर में नहीं जाएगा मेजोरिटी पैसा अपग्रेड्स में जाएगा जो मैं चॉइस से कर रहा हूँ ऐसा नहीं कि किसी ने को फोर्स किया है बाइक मतलब चल सकती है वो अपग्रेड्स के बिना भी बट मुझे अपग्रेड्स के साथ राइड करना है क्योंकि आई वॉन्ट द बेस्ट KTM फील पॉसिबल मैंने हेलमेट वगैरह को मस्त उसके अंदर के पैड्स को साफ किया है तो कम्फर्ट की खुशबू में मैं बैठा हूँ अंदर अच्छा लग रहा है सब चिपका दिए एक दूसरे में अटोरे खजूर लोग स्लो जाते हैं एज यू कैन सी बाइक बहुत गंदी है मैंने अहमदाबाद के राइड के बाद इसको वॉश ही नहीं किया है काफ़ी धूल मिट्टी कीड़े अटके हुए इसके ऊपर लेकिन मैं सोच रहा था कि एक बार सब मैकेनिकल काम हो जाए मैकेनिक से वापस आ जाए उसके बाद मैं इसको वॉश करता हूँ अभी वॉश करके मतलब नहीं है क्योंकि इसके ऊपर ग्रीसी हाथ वापस लगने ही वाले हैं कुछ वीक्स के लिए बाइक निगलेक्टेड थी क्योंकि मैं काम में लगा हुआ था मेरे को अच्छा नहीं लगता है मेरी बाइक्स को ऐसे छोड़ना बट क्या करूँ यार वर्क इज़ वर्क एंड वर्क इज़ वर्शिप सो लेकिन अब जब थोड़ा सा फ्री टाइम मिला है मैं जा रहा हूँ भाई मेरी आतंक ऑन गया मरते पे मेरी आतंक को ठीक करवाने जा रहा हूँ तू ठीक हो जाएगी मेरे को इसको राइड करना ही 5.1 ब्रेक फ्लूइड इंजन ऑयल कूलेंट वेसरा ब्रेक पैड्स आई एम एक्साइटेड फॉर द अपग्रेड्स वेरी एक्साइटेड कूलेंट है ना एक्चुअली काफ़ी सस्ते में भी आ जाते हैं 500-600 के भी आ जाते हैं 1000 के भी आ जाते हैं और वो काम सही करते हैं ऐसा नहीं है कि उनमें प्रॉब्लम है बट यू नो KTM में ना एक वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज इट हैज़ इज़ ओवर हीटिंग तो अगर इश्यू है पता है और मैं अगर
एक्सट्रीम कंडीशन में राइड करता हूँ 40 डिग्रीज या फिर ऐसा कुछ, अगर मैं राजस्थान वगैरह इसको लेके जाता हूँ जो मेरा प्लान है, तो फिर मेरे को बेस्ट कूलेंट चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइजेस। और इसमें दूसरा एक इशू आता है वो हेड गैस्केट का, इसका हेड गैस्केट फट जाता है। तो हेड गैस्केट फटने का वन ऑफ द मेन रीजन इज कॉन्स्टेंट ओवर हीटिंग। तो अगर मैं वो चीज़ को प्रिवेंट कर सकता हूँ तो फिर बढ़िया है। इंजन है थोड़ा सा महंगा था, 2000 का था। कूलेंट यूजुअली इतना महंगा लेने की ज़रूरत नहीं है, वो मतलब लोग सुपर बाइक्स में यूज़ करते हैं, मैं RC 390 में यूज़ कर रहा हूँ। आंटी जी पैर ऊपर भी रख सकते हैं, चलेगा, कोई वांदा नहीं है। क्या कोई व्हील स्पिन देखना चाहेगा? बढ़िया बढ़िया व्हील स्पिन देख लो। इसको खोलते ही हालत टाइट हो जाती है, डर लगता है। वाओ आई लव दिस बाइक। वाह, सुबह के 11 बजे जंपक ट्रैफिक, जंपक क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब, सब जगह घूम के आया मैं। कच गया इधर है कच। ये क्या है? GT 650, इट्स अ मॉडिफाइड GT 650, इट्स वाइल्ड। वाओ लुक एट द टायर, दिस इज व्हाट आई कॉल अ गुड मॉड। शिट इट्स वाइल्ड। एग्जॉस्ट इसका देखो यार। मॉडिफिकेशन करना हो तो ऐसे करो, पैसे खर्च के खतरनाक तरीके से। शिट क्या दिख रहा है ये सब ऑयल देख, ये सब दिख रहा है। और ये भी देख, ब्रेक लाइन का भी देख। हाँ हाँ, बढ़िया ऑयल ना, शॉकअप का नहीं है। शॉकअप ठीक है? हाँ शॉकअप ठीक है। ब्रीदिंग पाइप रहता ना, वो पाइप का ऑयल इधर आया और वो पाइप निकल गया। देखो वैसरा के ब्रेक पैड है अपने पास, है ना, तो फ्रंट में डाल दे वो, थोड़ा भी लूज है ना, देख इसको करना पड़ेगा। हटिया कैसे आलू, कोई भी किटम का ना, थोड़ा ऐसे लूज रहता ही है। कैमरा को आए बोल दे अपने पंटर लोग को, क्या लगता है बाइक की क्या हालत है अभी? बहुत अच्छा हालत है। अच्छा हालत है, साला खर्चा ही करवाते रहता है। तो फाइनली फोक ऑयल सील का काम शुरू हो गया है। तो KTM के बाइक में क्या होता है ना, या फिर कोई भी बाइक में हो सकता है, ये जो फोक का जो ट्यूब रहता है उसमें रस का स्पॉट रहता है, जिसकी वजह से फिर वो सील कट जाता है। तो चेक करना पड़ेगा कि इसमें वो स्पॉट है कि नहीं, क्योंकि अगर स्पॉट रहेगा और सील ठीक कर दे तो फिर एक दिन में वापस वही सीन हो जाएगा, तो फिर सील ठीक करके मतलब ही नहीं है। पूरा व्हील ऑयल 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 ऑयल। गौरंग भी इधर आ गया है। और ये है स्टार गैराज, ये हमारे बाबू भैया, बड़े दरिया दिल इंसान है। आज आजाद बोल रहा है कि वो सब कुछ फ्री में करके देगा, ब्रेक पैड का भी पैसा नहीं, लेबर का भी पैसा नहीं, कुछ नहीं, सब फ्री में। बोला कि आज मैं दरिया दिल हूं। तो ब्रेक पैड में लाइफ तो काफी है, बट इसमें बाइट ही नहीं है यार। वो जो लगना चाहिए कि यार बाइक रुक गई, वो रुकने वाला फीलिंग इसमें आता नहीं है। तो वैसे राके डाल के एक बार ट्राई करते हैं। तो अभी जस्ट हमें इन्फॉर्मेशन मिला है कि ये 12 लाख की बाइक है, मतलब वो 6-7 लाख के मॉडिफिकेशंस किए गए। एक्चुअली बाइक विद गर्ल ने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, मैंने अभी जस्ट चेक किया, उसके ऊपर 1.1 मिलियन व्यूज है। तो अगर इसके बारे में और जानना है तो फिर देख लो उनका वीडियो। गुड, ये क्या है यार, अमेजिंग। मत बना रहे यहाँ पर है दर्शन भाई, हमारे मुंबई के ओरिजिनल स्टंट राइडर। तो ये हमें सिखाएगी व्हीली कैसे मारना है, स्टॉपी कैसे मारना है, सब इनसे ही हम सीखेंगे। इसके ऊपर ब्लॉग बनेगा, ठीक है? अभी इसमें रस स्पॉट्स तो थे ही, तो इसको फाइल करके अभी के लिए कर दिया है, अगर चला तो चांद तक वरना आधी रात तक, देखते हैं अभी कब तक चलता है, तो वापस लीक चालू हो जाएगा। ये तनवीर का डायलॉग है, ये ब्रेक है। ये आ गए वैसरा के पैड्स, क्या बोलते हैं, सिंटेड सेरामिक, सेरामिक फ्रंट में लगा रहे। रेयर ब्रेक तो इसका वैसे भी ABS किक इन होता है, रेयर ब्रेक का इसका ABS इतना इंट्रूसिव है ना, रेयर ब्रेक थोड़ा सा भी मारते हो किक इन हो जाता है, रेयर ब्रेक इसका लगता ही नहीं है। कूलेंट निकल रहा है, कूलेंट का क्या हाल है इसका, गया हुआ है? ये बाइक में सब गया हुआ था, इसमें सब चेंज करने की ज़रूरत है। तो कूलेंट पूरा फ्लश कर दिया है, पूरा वाइट पानी आना शुरू हो गया था, तो फिर अब हम इंजन आइस डाल रहे हैं। ये क्या आइटम ने गिफ्ट किया आपको, क्या लगता है तेरे को? ये गिफ्ट देख के लग रहा है कि आइटम ने गिफ्ट किया रहे। ये गिफ्ट वाला, ये ऐसा मैं खुद कभी नहीं लूंगा, लेकिन गिफ्ट किया था, मुझे फोर्स किया था कि इसको बाइक पे लगाना है, मतलब लगाना है बाइक की चाबी। क्या रे बोलते हैं, तो ऐसा करके फिर उसको लगाना ही पड़ा, लगाना नहीं था। अभी दो चीजें हुई, आजाद ऑयल चेक करने के लिए बाइक को लेटा रहा था तो मैंने इधर हाथ रख दिया और ये वाइजर इधर से क्रैक हो गया। अच्छा नहीं, अभी ये वैसे का वैसे ही रहेगा। ये कुरला का इंजन ऑयल लेवल चेक कर रहे थे, ऑयल काफी कम है, वैसे तो 4000 किलोमीटर जितना ही चली है, बट उसमें से 1500-2000 तो हाईवे पे था, और हाईवे पे ज्यादा ऑयल यूज होता है, ज्यादा वेयर एंड टेयर होता है, तो ऑयल भी चेंज कर रहा है। सोचा था उससे मोटा खर्चा हो रहा है लेकिन जरूरी है। गटर बन गया है गटर। तो जब हार्ड राइड करोगे, इंटेंस राइड करोगे, तो ऑयल आपके जो भी पार्ट है वो जल्दी वेयर एंड टेयर होएगा ऑब्वियसली। पड़ी है अभी ब्लॉग में, गाली मैं नहीं दे रहा हूँ, आजाद दे रहा है। मैं कुछ नहीं, मेरे को कमेंट करके मत बताओ कि गाली मत दो, गाली आजाद देता है, गाली मैंने सब इससे ही सीखी है। तो अभी इस पे हम डाल रहे हैं लिक्विड मोली का 10W50 फ्रेश ऑयल।
क्योंकि अभी एक थोड़ा सा इसके ऊपर एक लॉन्ग राइड का प्लान है, उसके पहले ऑयल चेंज कर दे तो ही अच्छा है, क्योंकि ये इसका तो गारंटी गया था, इसका गारंटी खलास था, पूरा काला हो गया। ओके सो फाइनली माई बाइक इज रेडी, जो भी मेंटेनेंस था प्रॉब्लम से सब सॉल्व हो गए। टोटल खर्चा आया 5000 का, लेबर वेबर सब कुछ मिला के। इंजन आइस 2000 का था, वो मैंने अलग से लिया था, और उसका जो 5.1 ब्रेक फ्लूड था वो भी मैंने अलग से लिया था, वो कुछ 600 का था, तो टोटल कुछ 7000 पकड़ लो। इसके वाइजर से कुछ तो एक नया आवाज़ शुरू हुआ है, बाद में करवा लेगा, अभी मेरे को थोड़ा घाई है, थोड़ा काम बाकी है अपना घर पे। अभी तो इसका ब्रेक का कुछ फील है ही नहीं क्योंकि नए नए पैड्स हैं, बट कुछ 100 किलोमीटर बाद वो ग्रिप करना प्रॉपरली शुरू करेगा। आई एम होपिंग टू सी अ वेरी सिग्निफिकेंट चेंज विद द ब्रेक परफॉर्मेंस, नंबर वन। नंबर टू, इसका कूलेंट इतना महंगा डाला है, तो आई होप कि वो उतना अच्छा हो। अभी वो तो राइड करने के बाद ही पता चलेगा। बाइक डेफिनेटली पहले से थोड़ी स्मूथ लग रही है क्योंकि इसका ऑयल चेंज किया है। किधर गाड़ी रोक दिया मामा अर्थ। जैसे जैसे मैं इसको राइड करूँगा मुझे और इसके अपग्रेड समझ में आएगा कि कैसे बेनिफिट हुआ है, कैसे नहीं हुआ है, जो भी है। तो वो फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में फिर जो भी खींचता है तो मैं फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में जो भी है शेयर कर दूँगा। और सस्पेंशन इसका पूरा स्टिफ करवाया है, आई थिंक अभी मैक्स स्टिफेस्ट सेटिंग पे है। तो फिर एनीवेज, ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल हियर, आई होप दिस वॉज इन्फॉर्मेटिव। देखो ये सब चीज़ों का ऐसा है ना, इंजन ऑयल ले लो, कूलेंट ले लो, ब्रेक फ्लूड ले लो, ब्रेक पैड ले लो, चाचा इधर भी देख लो, तो ये सब मेंटेनेंस में आता है। ऐसा मत सोचो कि KTM खर्चे करो ये, हाँ मतलब मेजोरिटी बाइक्स में इतना जल्दी ऐसे सब खर्चे नहीं आते, बट ये क्या मेंटेनेंस है। मेन डैमेज तो बाइक में वो फोक ऑयल सील का ही था, बाकी सब तो मेंटेनेंस हुआ, तो हुआ 7000 का खर्चा, लेकिन क्या करें, बाइक इतनी अच्छी है तो हो जाता है। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर।